हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल विक्रम कुमार। तो आज के वीडियो में हम अपने जो Hyundai Centro है उसका टायर चेंज करवाने वाले हैं। पहले बहुत ज़्यादा चल चुका है, हम अभी तक चार पेयर अपने टायर का चेंज करवा चुके हैं Hyundai Centro का, और ये फोर्थ टर्म है जिसमें चारों का चारों टायर चौथा बार चेंज होने वाला है। तो इस बार हम सबसे अच्छा टायर अपग्रेड करने वाले हैं। इस सेगमेंट का सबसे बेस्ट टायर ऑलमोस्ट यही होता है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है कि आप मिसलिन का टायर लगाओ ऐसे गाड़ी में, सेंट्रो या फिर ऑल्टो या फिर स्विफ्ट वगैरह टाइप का गाड़ी में। जब तक थोड़ा हाई परफॉर्मेंस कार ना रहे तब तक वैसा टायर अपग्रेड करके कोई फायदा भी नहीं। तो मिड रेंज में सबसे बेस्ट टायर जो है योकोहामा का होता है, उस पर हम अभी अपग्रेड करने वाले हैं। तो अभी फिलहाल कैसा टायर का कंडीशन है वो आपको पहले दिखा देंगे। ये वीडियो हम एक महीने बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं टायर वायर चेंज करवाने के बाद। इसका कुछ सारा क्लिप हम पहले भी रिकॉर्ड कर चुके थे, प्री रिकॉर्ड, जो कि जब हम टायर चेंज करवाने वाले थे उससे थोड़ा दिन पहले ही रिकॉर्ड कर चुके थे। तो उस टाइम का भी आपको दिखा देंगे क्लिप की कैसा परफॉर्मेंस था, कैसा ग्रिपिंग था, और जब टायर चेंज हुआ तब कैसा स्क्रैचिंग नॉइज या फिर टायर में ग्रिप कितना आ रहा है, वो सब भी आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी चेंज करवाते हैं, उसके बाद आपको दिखा देते हैं। ये वीडियो हम बाद में इंट्रो और आउट्रो बस शूट कर रहे हैं ताकि बस आपको बता सके जस्ट कि हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। तो ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं गाइज। हेलो गाइज, ये है मेरे टायर का कंडीशन। तो यही टायर है जो कि काफी ज्यादा खत्म हो चुका है, वेयर एंड टीयर स्केल से बाहर जा चुका है, लिमिटेशन सारा कुछ, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं 5000 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल चुका है दो तीन वीडियो में, और ये अभी तो लग रहा है कि 6-7 हज़ार एक्स्ट्रा चल चुका होगा। तो दोनों टायर खत्म हो चुका है और पीछे वाला तो पूरा साफ है। ये रहा टायर, कैसे देखना है ये आपको पता ही होगा, मेजर लोग को नहीं पता है तो बता देते हैं। यहाँ पे जो इसमें स्पेस होता है उसे जज किया जाता है कि टायर कितना बचा हुआ है, वैसे ये पूरा डेड है, देख सकते हैं यहाँ पे देखने समय में आ रहा होगा। तो टायर हम चेंज करवाने वाले हैं अब। तो अभी हम ये वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि पहले का जो टायर है, जब टायर पुराना हो उसमें फ्रिक्शन कैसा है ऐसे वाले रोड पे, जो कि मिट्टी वगैरह जो भी है, कंकड़ बालू जिससे भी बनता है, सैंड वगैरह से, ऐसे वाले रोड पे कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो अभी चलने देते हैं गाड़ी थोड़ा, टायर एक्टिवेट करते हैं, ये पूरा क्लच पे चल रहा है। अब ऐसे वाले रोड से चलते हैं क्योंकि यहाँ पे वैसे भी ऐसा ही होने वाला है, नया टायर लगाए या फिर जो भी। तो अच्छा रोड पे चलते हैं, वहाँ पे जाके इसका ट्रैक्शन चेक करते हैं अब एक बार। तो अभी 4 लेन हाईवे में आ गए हैं और यहाँ पे इसका ट्रैक्शन चेक करेंगे इसके रोड पे कि कैसा ग्रिप आ रहा है। थोड़ा सा ट्रैफिक क्लियर रहेगा उधर, क्योंकि इधर नहीं जा सकते, इधर काफ़ी छपरी लोग हैं, तो थोड़ा शांत जगह जाके रिकॉर्ड करेंगे। थोड़ा सा नॉर्मल जगह पे आए हुए हैं, तो यहाँ पे अगर थोड़ा देर के लिए शांत होता है सारा कुछ तब जाके ट्राई करेंगे। पहले तो ऐसे ही ट्राई कर लेते हैं क्योंकि पीछे से एक ट्रक आ रहा है, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं और फुल एक्सेलरेट करके चलेंगे। हजार्ड लाइट ऑन है और फुल एक्सेलरेट करते हैं। इतना ज़्यादा व्हील स्पिन हुआ सिर्फ ट्रैक्शन की वजह से, ऐसे ऐसे स्किड किया और स्टेयरिंग व्हील इधर उधर घुमा और स्मेल भी आने लगा टायर का। अब बाहर से रिकॉर्ड हो सकता है कि नहीं देखते हैं, मोनू बाहर निकल के रिकॉर्ड करेगा। इस साइड से करेंगे भाई, उस साइड से नहीं करेंगे, साथ में लेके चला जाएगा। अरे करो करो। टायर का कंडीशन कुछ ज़्यादा ही खराब है, तो अभी थोड़ा देर रिकॉर्ड कर लिए और अब वापस चलते हैं यहाँ से, क्योंकि इससे आगे तो अभी रिकॉर्ड नहीं करने वाला है वापस। अब टायर जब चेंज करवाएंगे उसके बाद यहाँ पे आके ये दोनों जगह जाके दिखाएंगे कि कैसा परफॉर्म कर रहा है टायर और कुछ चेंजेस फील हो रहा है कि नहीं स्टेबिलिटी वाइज। अभी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया गाड़ी, उसका दो तीन रीज़न, एक तो अलाइनमेंट सही नहीं है, व्हील बैलेंसिंग नहीं है, और लेफ्ट टायर जो आगे फ्रंट है उसका व्हील बैलेंसिंग कुछ ज़्यादा ही आउट है, मतलब थोड़ा सा ऐसे है, टेढ़ा है, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो टाल है इसके जैसा, तो उसको सही करवाना पड़ेगा, उसका अलॉय नहीं है सॉरी रिम भी थोड़ा सही करवाना पड़ेगा, टायर चेंज करना पड़ेगा। पहले अलॉय लगवा तब बोलना अलॉय। तो ये टायर लगवाने वाले हैं योकोहामा का, ऐसा इसका ग्रिप है, और पहले का टायर भी आपको दिखा देते हैं कंडीशन वाइज। एक साइड से पूरा साफ हो गया, टायर का हाल बेहाल है, और ये रहा टायर जो लगवाने वाले हैं
योकोहामा का, इसका हाई स्पीड परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। या तो अभी एक महीने के बाद हम आ चुके हैं वापस से यहाँ पे, जिस जगह पे पिछले बार पुराने टायर के साथ टेस्ट किए थे। तो इस बार ये टायर को यूज़ किए हुए एक महीना हो गया, चारों टायर चेंज हो चुका है। हाईवे पे स्टेबिलिटी तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर चुके हैं और इधर भी ग्रिप, लेकिन वैसे तो इसके पास बहुत ज़्यादा टॉर्क है इस गाड़ी में, इसके वजह से हमेशा टायर स्लिप करता ही है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे। उस टाइम क्या हो रहा था कि फर्स्ट गियर में अगर चल रहा है गाड़ी, उसके बाद भी एक्सेलरेट करने पर टायर स्किट करने लग रहा था, चल रहा था गाड़ी उसके बाद भी टायर स्किट करने लग रहा था। लेकिन अबर चेक करते हैं कि अबर क्या होता है कि नहीं, तो चलिए बैठते हैं और फिर देखते हैं कैसे क्या होगा। गाड़ी जाने देते हैं, नहीं तो लगेगा सबको कि स्टंट वगैरह कर रहा है यहाँ, जो कि कुछ होगा नहीं, बस टायर स्किट करेंगे। तो अब ट्राई करते हैं वापस से, गाड़ी आ ही रहा है वैसे तो, लेकिन ग्रिपिंग लेके देखते हैं कि कैसा क्या होता है। टायर तो स्किट फिर भी करने लगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब पूरा सैंडी एरिया है, बालू बालू पड़ा हुआ है, इसीलिए स्किट करता ही है फर्स्ट गियर में। अब थोड़ा चलते चलते भी फिर से ट्राई करते हैं, टायर तो स्किट कर ही रहा है वापस से। इसको अब हम बाहर से एंगल से रिकॉर्ड करके दिखाते हैं आपको, बस पीछे सा गाड़ी चला जाए तब। अब आप देख सकते हो बाहर का टायर चेंज करवाएं या कुछ करवाएं, ये रोड पे कुछ नहीं होने वाला, हमेशा छोड़ेगा ही गैप। तो अब वापस से एक बार उस रोड पे जाके दिखाते हैं, हाईवे वाले रोड पे, पिच रोड पे, जहाँ पे थोड़ा ग्रिप अच्छा रहता है, फ्रिक्शन अच्छा रहता है। तो चलते हैं वहाँ पे, फिर दिखाते हैं, डायरेक्ट ही वहीं चलते हैं, वीडियो लंबा नहीं करेंगे ज़्यादा। तो अभी हाईवे वाले रोड पे आ गए हैं और यहाँ पे कुछ ट्रैफिक है थोड़ा पीछे, तो इसीलिए रुके हुए हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं जब सब गाड़ी, अभी काफ़ी पोर्शन खाली है, तो अब ट्राई करते हैं। अभी भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन लूज़ किया वैसे तो, क्योंकि टायर स्पिन भी काफ़ी हुआ, क्योंकि हाई टॉर्क में लॉन्च किए तो टायर तो स्किट करना करना ही है, वो तो फिक्स ही है। लेकिन टॉर्क के वजह से और हाई एक्सेलरेट करने की वजह से टायर तो स्पिन हो रहा है बहुत ज़्यादा, पर ऐसे एक बार ग्रिप ले लेते हैं, थोड़ा सा बस फ्रिक्शन जाने देंगे, उसके बाद एक्सेलरेट करके देखते हैं। अभी भी स्किट कर रहा है, ग्रिप वगैरह तो है, पर हाई स्पीड स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, आपको दिखाते हैं थोड़ा देर में आगे। पहले से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल चलने लगा है गाड़ी, अभी देख सकते हो आप 100 पे हैं ऑलमोस्ट हम, और कोई भी टर्न लेने में कोई भी इशू नहीं हो रहा है, ब्रेकिंग सही है और स्मूथली मनूवर हो पा रहा है गाड़ी। ये देखिए रॉन्ग साइड भी गाड़ी आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, पूरा स्मूथ चल रहा है गाड़ी, कितना भी टर्न हो हाई स्पीड में आराम से टर्न हो पा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही ऑटोमोबाइल कंटेंट हम लाते रहते हैं इस चैनल पे, थोड़ा सा डिले होता है क्योंकि कंटेंट का दिक्कत हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लगता है हर कंटेंट पे, तभी जाके वीडियोस बन पाता है, क्योंकि फ्री में कुछ तो बनेगा है नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा गाइस, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कुछ भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ आप सजेस्ट कर सकते हो किस टाइप पे हम किस टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं। और ठीक है, बस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।